दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान पर नजरें गड़ाए बैठी है कि उसका अगला कदम क्या होगा, कैसे ईरान इसराइल पर हमला करेगा। हालांकि ईरान को समझाने की बहुत कोशिशें करी गई कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दो, बात आगे मत बढ़ाओ, पर ईरान ने तो अब सर पर जैसे कफन बांध लिया है। जो ईरान पहले हिजबुल्लाह और हूतियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता था, वही ईरान अब खुले तौर पर कह रहा है कि मैं इसराइल को नहीं छोड़ूंगा। और इसी पर रूस ने ईरान को अपना सबसे पावरफुल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देकर आग में घी डालने का काम किया है। जहां इस एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर ईरान अमेरिका तक से टक्कर लेने में सक्षम हो गया है। तो क्या है पूरी खबर और क्यों ईरान बौखलाया हुआ है, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमास के लीडर हानिया की हत्या कर दी गई है, जिसका जिम्मेदार ईरान इसराइल को मानता है। ईरान का कहना है कि इस हमले में सिर्फ हानिया नहीं बल्कि 2 मासूम लोगों की भी जान गई है, जिसका हिसाब तो इसराइल को चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ईरान अपनी प्रॉक्सी मिलिट्री के सहारे इसराइल को गाजा में रोक रहा था, वहीं अब ईरान ने पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली है और खुले तौर पर कह रहा है कि वो इसराइल को सबक जरूर सिखाकर रहेगा। ईरान ने अपनी मिलिट्री को तैयार कर लिया है, जहां ईरान के पास इसराइल की बैंड बजाने के लिए भरपूर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स न जाने क्या क्या मौजूद है। बस दिक्कत तब आती है जब एयर डिफेंस की बात होती है, क्योंकि इसराइल के हवाई हमले से बचने के लिए उनके पास जो सिस्टम है वो कारगर नहीं है। इसी को देखते हुए दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया, यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भेज देता है। क्योंकि दोस्तों, ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो हवा में छोटे हमलों को तो रोक सकता है, लेकिन बड़े हमलों को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद ईरान किसी से भी मुकाबला कर सकता है। जहां एक तरफ अमेरिका लगातार इसराइल को गोला बारूद और करोड़ों डॉलर्स की मदद करके इस जंग को और ज्यादा बढ़ा रहा है, वहीं अगर इसराइल हार गया तो दुनिया समझेगी कि अमेरिका हार गया, और अमेरिका ये नहीं चाहता। इसीलिए उसने लगातार पीछे से ही सही लेकिन जंग में अपनी पकड़ बना रखी है। और इसी को देखते हुए अब रूस भी खुलकर सामने आ गया। एक बार अगर इसराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई तो अमेरिका का हाथ पाकर इसराइल बहुत बड़े बड़े हमले करेगा और अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटेगा, जिसकी तैयारी भी अमेरिका ने ऑलरेडी कर रखी है। सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन तक कई सारे मुस्लिम देशों में अमेरिका ने अपनी आर्मी फैला दी है, ताकि अगर ईरान की तरफ से हमला हो तो उसे पहले ही रोक दिया जाए और इसराइल के ऊपर आंच भी ना आए। अब जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका इसराइल की इतनी तैयारी करवा रहा है तो उसे चारों तरफ से सुरक्षित करने में लगा हुआ है, तो रूस भी उसे पटखनी देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से उसने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया है। अब दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये किसी भी हद तक होने वाली हवाई बमबारी को रोक सकता है, इसराइल की मिसाइल को चुटकियों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, रूस लगातार हथियारों की सप्लाई ईरान में करके ये दिखा रहा है कि इस जंग में ईरान अकेले नहीं है। भले ही अरब के देश ईरान की बजाय इसराइल का साथ दे रहे हों, क्योंकि उन्हें अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। इस जंग में 2 खेमे पहले से ही बन चुके हैं, एक खेमा है ईरान का तो दूसरा है इसराइल का, और दुनिया जानती है कि इसराइल अकेला नहीं है बल्कि उसके सर पर अमेरिका का हाथ है। वो अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करता है, और इस दावे को पूरा करने के लिए अमेरिका लगातार इसराइल की मदद करता आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी पहले से ही ईरान से हो रखी है, जिसके चलते अमेरिका ने कई बार ईरान पर अलग अलग चीजों में बैन लगाकर अपनी ताकत का जोर आजमाया है। लेकिन अब ईरान भी शांत बैठने वाला नहीं है, वो जिस तरह से हमले की और साथ में अपने बचाव की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए पूरा इसराइल हाई अलर्ट पर है और तेल अवीव का एयरपोर्ट सुनसान पड़ा हुआ है। इसराइल के कई सारे शहर खाली हो चुके हैं और यहाँ तक कि इसराइल में रहने वाले दूसरे देशों के लोगों ने तो इसराइल को पहले ही टाटा बाय बाय कह दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ कभी भी हमला हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। जो हरकत इसराइल ने करी है उसका जवाब देने के लिए ईरान कोई भी रहम नहीं बख्शेगा। उसने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ईरान ने तो अपने हथियारों को बाहर निकाल लिया है और अपने प्रॉक्सी ग्रुप तक भी हथियारों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में रूस की तरफ से हथियारों से भरा एक बड़ा जहाज ईरान में लैंड हुआ है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ईरान अपनी तैयारी कर चुका है और वो कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है। इस हमले का डर इसराइल पर लगातार मंडरा रहा है। इसराइल ने अपने लोकल लोगों से कह दिया है कि वो सेफ्टी बंकर में जाने के लिए तैयार रहें, हमला होने से पहले उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा हो जाना है, क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है।
यहाँ तक कि ईरान के हमला करने का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसराइल की पूरी सरकार अंडरग्राउंड बंकर के अंदर से अपने फैसले ले रही है कि उसे कब कौन सा कदम उठाना है। पहले तो ईरान सिर्फ इसराइल के मिलिट्री ग्रुप पर ही हमला कर रहा था, लेकिन जब से इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला किया है जिसकी वजह से वहां के लोकल लोगों की भी जान गई है, तब से ईरान का माथा घूम गया है। उसने तय कर लिया है कि अब चाहे विश्व युद्ध ही क्यों ना हो जाए वो पलटवार करके ही रहे। ईरान की इस जिद को रोकने के लिए कई सारे देशों ने उसे समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन ईरान अब नहीं मानने वाला है। ईरान चाहता है कि इसराइल पर हमला करके सीधे तौर पर अमेरिका को ये दिखा सके कि उसकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब अमेरिका खुद को सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करके दूसरे देशों को नीचा नहीं दिखा सकता, और इसी सोच के साथ ईरान ने अमेरिका के सभी दुश्मनों को अपने साथ ले लिया है। फिर चाहे वो अमेरिका का सालों पुराना दुश्मन रूस हो या फिर दुनिया भर में अपनी तानाशाही के लिए मशहूर नॉर्थ कोरिया, ये दो ऐसे देश हैं जो लगातार अमेरिका से अपनी नाराजगी जताते आ रहे हैं, लेकिन ईरान का साथ देकर उन्हें एक नया मौका मिल रहा है। जहां रूस तो अपने हथियारों को भेजकर ईरान का साथ दे रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने ये तक कह दिया है कि अगर इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे नॉर्थ कोरिया से मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए कि वो नॉर्थ कोरिया जिसके सनकी तानाशाह जिम कोंग उनका खौफ पूरी दुनिया में, कब इस इंसान का दिमाग खराब हो जाए और ये न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दे, क्योंकि एक बार अगर किसी भी जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर रहम नहीं खाएगा, दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। न्यूक्लियर विस्फोट से एक ही झटके में करोड़ों लोग मारे जाएंगे और सालों तक इंसानी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा था तो वो बहुत ही कम पावर वाला न्यूक्लियर बॉम्ब था, क्योंकि उस समय नया नया न्यूक्लियर बॉम्ब आया था जिसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के ऊपर गिरा दिया था और फिर विश्व युद्ध अपने नाम कर लिया। लेकिन अब तो समय बदल चुका है, जितने भी देश इस जंग में शामिल हो रहे हैं उन सभी ने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रखे हैं। अगर एक बार इससे हमला होने की शुरुआत हुई तो फिर ये थमने वाला नहीं है। जापान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था उसका असर आज तक वहां के लोगों पर होता है। आज तक वहां के लोगों को कैंसर हो रहा है, वहाँ पैदा होने वाले बच्चे आज भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती है। अब आप सोचकर देखिए ना कि इतने छोटे से न्यूक्लियर बॉम्ब ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी और आज तक उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अब जो भयानक भयानक हथियार पूरी दुनिया भर में तैयार हुए हैं वो अगर एक बार भी इस्तेमाल हो गए तो दुनिया का क्या होगा, ये डर लगातार दुनिया को सता रहा है। जहां आम नागरिक ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि फिर से विश्व युद्ध हो। विश्व युद्ध का मतलब होगा ऐसी तबाही जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इस बार विश्व युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब के सहारे लड़ा जाएगा, जिसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस और भारत जैसे देश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, जिसे सबसे ज्यादा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि विश्व युद्ध ना हो, वो खुद ही इसराइल और ईरान की जंग को बढ़ावा देकर हालातों को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। बाकी दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या अगला विश्व युद्ध होना चाहिए? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।